दोस्तों, क्या सच में इसरो और उसका चंद्रयान 3 काफी स्लो है? आखिर लोग क्यों कह रहे थे चंद्रयान 3 को स्लो और इसरो को टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे? क्या वाकई में इसरो है नासा से पीछे? आइए इस बात पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फैक्टोपिया चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कहा है नासा ने कि लोगों की बोलती ही बंद हो गई है। दोस्तों, इसरो के बारे में अफवाहें उड़ रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन अब उन सब पर रोक लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा था कि इसरो के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा रॉकेट नहीं है और एडवांस सिस्टम नहीं है जो सीधे ही धरती की सतह से चांद की सतह तक रॉकेट को एक ही लाइन में लेकर जाए और जल्द से जल्द हम चांद पर पहुंच जाएं। लेकिन क्या ये बात सच भी है या यहाँ पर है कोई गलतफहमी? दोस्तों, नासा ने बताया है कि उन्होंने मार्स पर जाने, वहां पर स्पेसक्राफ्ट और रोवर को उतारने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, तब जाकर लोगों की बोलती हुई बंद, क्योंकि इसरो ने तो उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ चांद तक जाने के लिए ही इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इसरो की टेक्नोलॉजी चांद के मिशन के लिए काफी एडवांस्ड है और उसके 3 चंद्रयान मिशन में इसरो ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, एक ग्रह से उड़कर दूसरे ग्रह या उपग्रह पर उतरना कोई आसान काम नहीं है। काफी एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिक्स के रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ये सिर्फ वही देश कर सकता है जो काफी एडवांस्ड रिसर्च में आगे, वेल एजुकेटेड और ट्रेन्ड लोगों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सक्षम हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अच्छे नॉलेज के साथ साथ उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना जरूरी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इसरो के साइंटिस्ट काफी बुद्धिमान और एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, अगर इसरो को मार्स तक जाना है, जुपिटर तक जाना है, दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाना है, तो काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा, अच्छा आविष्कार करना पड़ेगा और दूसरे देशों से अपनी सोच को आगे रखना पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में खबरें आई हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे भी ग्रहों को ढूंढ निकाला है जहां धरती जैसा वायुमंडल और पानी मौजूद है और जो धरती जैसे ही हैं। अगर इसरो और दूसरी स्पेस एजेंसीज वहां तक जाना चाहती हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस एकदम सटीक होनी चाहिए। सो इन मिशंस को उन बड़े मिशंस का प्रैक्टिस सेशन ही समझ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी की। जब बात आती है डायरेक्ट धरती से चांद तक स्पेसक्राफ्ट भेजने की, डायरेक्ट अर्थ सरफेस से लूनर ट्रेजेक्टरी पर जाने वाले रॉकेट की, तो नासा ने बताया कि उनकी टेक्नोलॉजी से उन्होंने डायरेक्ट ही चांद पर इंसानों को उतारा था। ये रॉकेट सीधा जाता है, लेकिन इसका खर्चा काफी ज्यादा आता है। दोस्तों, नासा कबूल करता है कि अगर उन्हें चांद तक जाना है तो उनका रॉकेट डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन मंगल तक या आगे की यात्रा के लिए अभी फिलहाल तो डायरेक्ट रॉकेट भेजा ही नहीं जा सकता। फिर नासा को भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो इसरो ने चंद्रयान के लिए इस्तेमाल किया है। नासा को भी गोल गोल चक्रीय रास्ता ही अपनाना पड़ेगा जिसमें रॉकेट घूमते हुए आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपने चंद्रयान 3 चांद तक कैसे पहुंचेगा, उड़ने से लेकर उतरने तक की सारी प्रक्रिया को विस्तार से नहीं समझा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर वीडियो को जरूर देखें कि आखिर कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3 चांद तक। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है चंद्रयान के पाथ और लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल की बेहद स्टीक और बारीक कैलकुलेशंस, क्योंकि जब थ्रस्ट देना होता है तो चंद्रयान की बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए और काफी कम समय के लिए काफी कम फ्यूल को बर्न करके एक झटका दिया जाता है। इस वजह से यान अपना ऑर्बिट चेंज करता है और इंजन को फिर से बंद कर दिया जाता है ताकि फ्यूल बचा रहे। दोस्तों, इसरो ने बताया है कि ऐसा 5 बार किया जाएगा, यानी कि 5 बार इंजन को स्टार्ट करके यान के ऑर्बिट को बढ़ा दिया जाएगा और फिर यह धरती के ऑर्बिट को छोड़कर चांद के ऑर्बिट में घुसने के लिए तैयार होगा। 25 जुलाई को चंद्रयान 3 अपने 5वें और आखिरी धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू करेगा। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इसरो इस प्रोसेस से दूसरी स्पेस एजेंसी से आगे कैसे निकल पाएगा या फिर ऑलरेडी निकल चुका है।
तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, मंगल या उससे भी आगे जाने के लिए डायरेक्ट रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी रास्ते को अपनाना होगा। तो इसरो जितनी ज्यादा बार इस प्रोसेस से यान को छोड़ेगा, उतना ही अनुभव लेता जाएगा। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट, उतना ही इसरो के साइंटिस्ट को स्टीक कैलकुलेशंस करना आ जाएगा। तो एक तरह से इसरो इस प्रोसेस का मास्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रयान 3 स्लो नहीं है। इसरो इस लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में मंगल या उससे भी आगे निकलने के लिए इसरो और उसके यान तैयार होंगे। इस टेक्नोलॉजी और इस नए रास्ते की मदद से इसरो चंद्रयान 3 को इलेप्टिकल वे में धरती के ऑर्बिट के चक्कर लगवा रहा है, ताकि इसमें धरती की ग्रेविटी की मदद से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाया जा सके और यान को बिना ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करे आगे भेजा जा सके। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में भी सुना होगा कि अंडाकार चक्कर लगाते वक्त जो पॉइंट धरती के सबसे नजदीक होता है उसे पेरिजी कहते हैं और सबसे दूर वाले एंड पॉइंट को एपोजी कहा जाता है। इन्हीं दो पॉइंट्स की कैलकुलेशंस की मदद से यान को कंट्रोल किया जाता है। इन दोनों पॉइंट्स का सही सही हिसाब ही मिशन को सफल करता है। दोस्तों, 25 जुलाई को इसरो ने अपना पांचवां या कहो अंतिम अर्थ बाउंड मैनूवर कंप्लीट कर लिया, जिससे चंद्रयान 3 को पांचवें ऑर्बिट में सेट कर दिया गया। ऐसा करने के लिए बेंगलुरु हेड ऑफिस से एक बटन दबाया गया। दोस्तों, सेम प्रोसेस को इसरो रिपीट करने वाला है चांद की लूनर ऑर्बिट में एंटर होने के बाद, ताकि चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाता हुआ उसके नजदीक पहुंचता जाए। इस प्रोसेस को उस समय एंड किया जाएगा जब चांद के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 की एपोजी और पेरिजी दोनों ही 100-100 किलोमीटर की हो जाएंगी। इस जगह पर लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर निकल पड़ेगा चांद की सरफेस को छूने के लिए। ये भी आसान बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रोसेस के एंड में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम फेल होकर क्रैश लैंडिंग कर गया था। चंद्रयान 3 को जहां पर उतारना है वो है साउथ पोल, या कहो चांद की डार्क साइड, जो काफी खतरनाक है। आप चौंक जाएंगे उस जगह के बारे में सुनकर जहां पर इसरो का चंद्रयान 3 उतरेगा। इस बारे में पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे खतरे, नई टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस और इतनी सारी रिसर्च करके फ्यूल का बचाव करने के लिए लॉन्च से लैंडिंग और रिटर्न तक का पूरा काम करने के लिए सोचिए कितनी सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती होंगी। ये सच में कोई आसान काम नहीं है, तभी तो वो मुहावरा फेमस है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो कि है चांद का इलेप्टिकल वे में धरती का चक्कर लगाने के बारे में। इसका मतलब है कि चांद और धरती के बीच का अंतर लगातार बदलता रहता है, उसे भी कैलकुलेशंस में कंसिडर किया जाता है। चलिए इस बात को थोड़ा सिंपल करके समझाते हैं। पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च करना, धरती के ऑर्बिट में सेट करना, उसके एपोजी और पेरिजी के हिसाब से उसकी स्पीड तय करके उसके चक्रों और डायरेक्शंस को बदलते रहना, उसे धरती के ऑर्बिट से छोड़ना, चांद के ऑर्बिट में एंटर करवाना और वहां पर भी चांद की लैंड के दिन की जो जगह और धरती से डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऑर्बिट में घुमाना और अंत में सॉफ्ट लैंड करके फिर चंद्रयान 3 को वापस धरती पर लाना। क्या ये सब करना आसान है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत ही पेचीदा काम है ये। तो अब कोई इसरो के बारे में गलत बोले या चंद्रयान 3 को स्लो बोले तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। दोस्तों, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 की स्पीड कम होने के पीछे। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि भारतीय साइंटिस्ट भी किसी से कम नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।